प्यारे भाइयों बहनों, हम डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का आपको बहुत प्यार भरा नमस्कार। इस वक्त हम लोकसभा क्षेत्र पटियाला के अंदर खड़े हैं और हमारे बीच में जहां से श्रोमणी अकाली दल के श्री सरदार सुरजीत सिंह रकड़ा जी और कांग्रेस पार्टी से श्रीमती रानी प्रनीत कौर जी हैं और हमारे बीच में श्री दुपिंदर सिंह ढिल्लों जी हैं जो महासचिव पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी हैं और इस इलेक्शन के इंचार्ज भी हैं। ढिल्लों साहब, आपका बहुत बहुत इलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है जी और महारानी प्रनीत कौर जी को बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है और बहुत बड़ी बहुमत से 11 लोकसभा उनका जीते। जब हम लोगों के बीच में गए हो इलेक्शन के अंदर, तो लोगों का रिस्पांस कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा, लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस रहा है। दो साल में महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की कांग्रेस सरकार ने मिला के काम किया है, उनका लोगों ने पूरा समर्थन दिया है और लोग आज चाहते हैं कि पंजाब में तो चलो कांग्रेस की सरकार है ही, कि दिल्ली में भी सरकार जो है कांग्रेस की बने और राहुल गांधी जी हमारे भाई। राहुल गांधी ने थोड़े दिन पहले मैनिफेस्टो में एक बात की थी कि बेरोजगार नौजवानों को 72,000 रुपये देंगे, वो पैसा कहाँ से आएगा अगर सरकार बनेगी? देखो, वो जो स्कीम है वो न्याय स्कीम है, वो नौजवानों को देने के लिए नहीं। वो जो हमारे 5 करोड़ गरीब लोग हैं देश में, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो 6,000 से कम एक परिवार कमा रहा है, उसको 6,000 रुपया महीना सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और ये जो योजना बनी है उसका पूरा बजट भी बना है, वो पूरा इम्प्लीमेंट होगा। थोड़े दिन पहले कल परसों कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम पंजाब का स्टेटमेंट आई थी, अगर कांग्रेस यहाँ से फुल प्रेस मेजोरिटी से नहीं जीतती वो रिजाइन कर देंगे सीएमशिप से। इस बयान के पीछे क्या प्रतिक्रिया इसके बारे में? इसके बयान के पीछे ये है कि उनको पता है कि कांग्रेस जीतेगी क्योंकि उन्होंने 2 साल में काम किए हैं और लोग उनको समर्थन दे रहे हैं और पंजाब और मैं आज 13 सीटें जो हैं कांग्रेस पार्टी जीते। आप ये बताएं कि लोग कांग्रेस को वोट क्यों दें? देखो, 2 साल में, देखो 10 साल जब अकाली दल की सरकार रही, अकाली दल ने 10 साल में पंजाब के लोगों को क्या दिया? नौजवानों को नशा दिया और उन्होंने जितनी करप्शन मैं समझता हूँ 10 सालों में सरकार में हुई, जो बहुत किसान जो हैं खुदकुशी करके, कितने किसान खुदकुशी करके मरे। आई सरकार कांग्रेस की, महाराजा साहब ने इसको नशे पर रोक लगाई, मैं समझता हूँ आज बहुत सुधार है पंजाब में। और दूसरा जो सबसे बड़ा किसानों का मसला था, महाराजा साहब ने वो हमारे मुख्यमंत्री ने किसानों के कर्जे माफ़ किए, तकरीबन पंजाब में 4,500 करोड़ रुपया किसानों का माफ़ किया, 10 लाख किसान। तो भाइयों बहनों, ये हमारे बीच में थे सरदार दुपेंद्र सिंह ढिल्लों जी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।